ओके चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है अपनी बूस्ट को पोज को बूस्ट करना सीखना है। हमने बूस्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे हम अपने पेड एड्स रन करते हैं ना, कि हमने अगर अपने पेज के ऊपर इंगेजमेंट्स लेकर आनी है, यानी कुछ लाइक्स या फॉलोइंग्स लाने हैं या कमेंट्स लाने हैं, या फिर अगर हम अपना सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी ब्रांड की, तो उसके लिए हम पेड एड्स रन करते हैं। ठीक है, तो एड रन करने के लिए ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम सारे मेथड्स ही आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन सा वाला बेस्ट मेथड है जो आप हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट है ना वो है, हम अपनी जो पेज फेसबुक पेज पर हमने अपनी पोस्ट लगाई होती है ना, हम डायरेक्टली उस पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक टाइप की एड रन हो रही होती है आपकी उस पोस्ट पर। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल ये सीखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जब एक पोस्ट अपनी फेसबुक पेज के ऊपर लगाई थी, उस पोस्ट को हम कैसे बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका फेसबुक पेज है जस्ट, और आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है ना, और आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। अगर तो आपके पास वेबसाइट भी है, तो उसके लिए तो आप अपनी जो जब आप एड रन करते हैं ना, तो उस एड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, ताकि आपकी एड के ऊपर कभी क्लिक करे तो वो आपके वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स देखें और उनमें से कुछ बाय कर ले। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी फिलहाल वेबसाइट नहीं है, जैसे आपके पास फेसबुक पेज है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है या फिर अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, तो उसके लिए फिर आप मैसेजिंग का ऑब्जेक्टिव रखेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपका गोल क्या है, कि आप किस मकसद के लिए अपनी एड रन कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेज करें और हमसे हमारी सर्विसेज बाय करें या हमसे हमारी प्रोडक्ट्स बाय करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे, फिर हम पोस्ट को बूस्ट करते हैं। जी, मेरी फेसबुक की स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है। यस ओके, अब यहाँ पे देखें, हमने जो लास्ट टाइम एक पोस्ट की थी ना, इसी पोस्ट के नीचे, हर पोस्ट के नीचे ना बूस्ट पोस्ट का एक बटन ब्लू कलर का शो हो रहा होता है। तो आपने अपने जिस भी पोस्ट को आपने बूस्ट करना है, उस वाली पोस्ट में के बूस्ट पोस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने एक ही पोस्ट की थी ना लास्ट टाइम जब मैंने आपको सिखाया था, तो हम इसी पोस्ट को बूस्ट करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने इस बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, आप लोग भी अपनी पोस्ट ओपन कर लें जो आपने की थी और उसके पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये जो बूस्ट पोस्ट है ना, इसमें डिफरेंट उन्होंने ना पार्ट्स दिए हुए हैं कि हम इन पार्ट्स को की सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी एड के लिहाज से। मतलब जो आपने सर्विस देनी है या जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे सेटिंग्स करनी है हर चीज की। ठीक है, अब सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि गोल को आपने सेट करना है कि व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, यानी आप इस एड से क्या रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, आपका गोल क्या, आप क्यों ये एड रन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि ऑटोमेटिक, या अगर तो आप ये ऑटोमेटिक को ही सिलेक्टेड रहने देंगे ना, तो यहाँ पे फिर फेसबुक जो है ना, खुद से आपके जो आपने अपने पेज की सेटिंग्स की थी ना, उन सेटिंग्स को देखेगा और उन सेटिंग्स से के अकॉर्डिंगली आपका गोल खुद से कोई सिलेक्ट करेगा। ठीक है, जब हमने पेज की सेटिंग की थी, तो हमने कैटेगरीज वगैरह जो अपने बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरीज सेव की थी, तो फेसबुक उन सेटिंग्स को देखता है और उनके अकॉर्डिंग ना आपका गोल खुद से सिलेक्ट कर देता है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप खुद से अपना गोल सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा पता है कि आप किस मकसद के लिए अपनी ऐड रन कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक जो है वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करेगा ना। तो अगर अपनी ऐड रन करें ना, तो हमें चाहिए कि हम खुद से स्टार्टिंग में अपनी सेटिंग्स खुद से करें, ताकि जो हमें रिजल्ट्स चाहिए ना रिक्वायर्ड, वो हमें रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, जब हम एक बार तो अपनी रिक्वायर्ड सेटिंग से एड्स रन कर लेते हैं ना 1 वीक तक, 7 डेज तक, उसके बाद फेसबुक का जो एल्गोरिदम है ना, बेसिकली आप देखें जो फेसबुक है उसका एल्गोरिदम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, वो कोई इंसान तो काम सब कुछ सिलेक्ट नहीं ना करे वहाँ पे। तो उनके एल्गोरिदम ने पहले ये देखना होता है कि पहले जो इन लोगों की सेल्स आई हैं या इन लोगों की जो पहले सर्विसेज सेल आउट हुई हैं, वो किन लोगों ने वो सर्विसेज ली या किन लोगों ने वो चीजें बाय की थी। ठीक है, तो वो फिर उस टाइप के ऑडियंस को नेक्स्ट टाइम, अगर तो फिर आप मतलब 7 डेज तक हमने खुद से सिलेक्ट करके गोल्स वगैरह काम किया रन की, और उसके बाद अगर आप फिर फेसबुक पे छोड़ देते हैं कि अब वो सिलेक्ट करें, तो फिर उसका एल्गोरिदम आपके पिछली एड के रिजल्ट्स को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ही एड रन करें ना, और अगर आप फेसबुक पे छोड़ दें कि आप फेसबुक खुद से सब कुछ सिलेक्ट करें, तो फिर कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम कुछ रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइम जब आप एड रन करें तो आपने खुद से सब कुछ सेलेक्ट करना है। 7 डेज तक आप एड रन कर लें, जब आपके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए उसके बाद आप फेसबुक पे छोड़ सकते हैं कि आप फेसबुक का एल्गोरिथम जो है ना वो अच्छा सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसको आपने चेंज पे क्लिक करना है। अब ये देखें जितने भी गोल्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फेसबुक आपको इस टाइम इस गोल्स को बूस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है ना, वो शो हो गए हैं। एक तो ऑटोमेटिक है, वो तो पहले से सिलेक्टेड है। उसके नीचे देखें गेट मोर मैसेजेस का एक गोल है। अब उन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये किस मकसद के लिए अच्छा है। अगर आपने ज्यादा सेल्स गेट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप स्टार्टिंग में चाहते हैं कि आप विदाउट वेबसाइट अपनी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर ऑर्डर्स ले आए ज्यादा या सेल्स ज्यादा ले आए, तो फिर आपने मैसेजेस की कैंपेन चलानी है ताकि आपको लोग मैसेज के थ्रू ऑर्डर करें। ठीक है, तो ये तब आप करेंगे जब आपको ज्यादा सेल्स चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ सेल कर रहे हैं ना, तो फिर आप गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक कर लें। ठीक है, अगर जरूरी नहीं कि वो सेल आप प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज भी लोगों को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे वो सर्विसेज बाय करें, तो भी आप गेट मोर मैसेजेस पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को जो मैंने अभी आपको बताया सब सब कुछ? जल्दी से मुझे क्लियर का मैसेज कर दें अगर आ गया समझ तो। ओके गुड, चलिए अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट गोल उन्होंने दिया हुआ है ये है गेट मोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में काफी मरतबा बताया, और आज आप लोग मुझे बताएंगे इंगेजमेंट का क्या मतलब है। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के रिप्लाई करें। एंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक्स, फॉलोवर्स और कमेंट्स ना। बराबर जी, तो अगर तो आपने अपने पेज के ऊपर फॉलोइंग्स इंक्रीज करनी है या लाइक्स ज्यादा लाने हैं आप किसी पोस्ट के ऊपर या पेज के ऊपर, या कमेंट्स ज्यादा लाने हैं, तो इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव आप चूज करेंगे। और ये चूज हम कब करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका न्यू पेज है उसके ऊपर कुछ इंगेजमेंट होगी तो ही आपका जो पेज है ना वो लोगों के लिए ऑथेंटिक फील होगा, मतलब लोग फील करेंगे कि इसके ऊपर अच्छे कमेंट्स आए हैं तो हम इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होंगी तो हम इनकी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर देते हैं। अगर आपका पेज बिल्कुल न्यू है, उसके ऊपर कोई फॉलोअर्स नहीं है, बिल्कुल न्यू पेज पे आप सेल्स की कैंपेन्स रन करना शुरू कर देंगे ना, सेल्स के एड्स रन करेंगे, तो उसके ऊपर फिर लोग जो है, अगर लोगों को वो देखने में अच्छी भी लग रही है ना, तो लोग बाय तब ऑर्डर तभी करते हैं जब वो अच्छे रिव्यूज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जब वो ये देखते हैं कि इनके पेज के ऊपर कितनी अच्छी इंगेजमेंट है, कितने ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स है ना, तो फिर ही वो लोग ज्यादा मोस्टली ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू न्यू जो लोग सेल कर रहे होते हैं ना उनसे लोग कुछ बाय करते हुए भी डर रहे होते हैं कि पता नहीं इनकी चीजें अच्छी होंगी या नहीं, हमें अच्छी सर्विसेज देंगे या नहीं। ठीक है, तो अगर तो आपको बिल्कुल न्यू पेज है उसके ऊपर कोई इंगेजमेंट नहीं है ना, तो फिर आप डायरेक्टली ये मैसेजेस वाली यानी सेल्स गेट करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप फिर तब इंगेजमेंट की कैंपेन्स रन करें ताकि आपके पेज की जो इंगेजमेंट है ना वो बढ़ जाए, और पेज अच्छा जब रनिंग में आ जाएगा उसके बाद आप फिर सेल्स के लिए जाएं मैसेजेस कैंपेन पे। ठीक है, ओके। इसके बाद है ग्रो कस्टमर बेस। इसमें उन्होंने अच्छा हर एक में ना फेसबुक के जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं ना तो वो हर पार्ट के नीचे ना फेसबुक ये देता है उसकी डिस्क्रिप्शन दे देता है खुद से कि आप वो रीड करें और आपको समझ आ जाएगा कि ये किस मकसद के लिए है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक की जो सेटिंग्स है ना ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, कुछ वो न्यू एलिमेंट्स ऐड करता रहता है और कुछ जो है वो ओल्ड ओल्ड को ही वो अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो अगर तो कुछ न्यू भी ऐड हो रहा है ना, आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, मैंने तो हमने पहले ये पढ़ी नहीं हुई है तो हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली। ठीक है, तो आप इजीली समझ आ जाएगा। और सेकंड इजी मेथड ये होता है कि कोई न्यू एलिमेंट अगर ऐड हुआ है ना फेसबुक के सेटिंग में, ऐड की सेटिंग में, तो आपने उसको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, जब वो गूगल पे सर्च करेंगे ना तो फेसबुक के अपने ही आर्टिकल्स बहुत अच्छे अच्छे से आ रहे होते हैं, अगर आप वहां से रीड करेंगे ना आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ये मैं आपको इस कोर्स के बाद के लिए गाइडलाइन दे रही हूँ, जब हम एक मिनट का कोर्स कर लेते हैं ना मार्केटिंग के, तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि फेसबुक की सेटिंग्स जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इनके जो जो उनसे इनके बिजनेस मैनेजर वगैरह हैं, इनके टूल्स हैं, इनकी भी सेटिंग्स चेंज होती हैं, इनमें भी वो न्यू पार्ट्स ऐड करते रहते हैं, न्यू चीज़ें ऐड करते रहते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा और सर्च करना होता है बाद में भी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ग्रो कस्टमर बेस में उन्होंने बताया हुआ है कि यूज़ अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। एक मिनट स्टूडेंट्स,
जी, ये अभी एक स्टूडेंट ऐड हुई है मीटिंग में, 2021 BBA। हाँ, ये कौन है? अपना नाम बताइएगा मुझे। ये जो अभी मीटिंग में एंटर हुई है स्टूडेंट, ये अपना नाम बताएं। आप लोग जब मीटिंग ज्वाइन करें ना, तो आप अपने नेम से एंटर हुआ करें। अपना जो जूम का आपका आईडी है ना, उसको आपके अपने नेम से होना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट इस टाइम एंटर हुआ है मीटिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप अपना नेम रखें रखें जूम की जूम पे, फिर ही मैं अलाउ करूंगी आपको। ओके, अब यहाँ पे देखें कि अगर तो आपने ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हाई टिकट होते हैं ना आइटम्स, जैसे कोई प्लॉट वगैरह सेल आउट कर रहे हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली कोई भी कस्टमर आपसे ये नहीं कहेगा कि आप पिक्चर लगा दें, और वो आपसे डायरेक्टली वो ये नहीं कहेगा कि ये प्लॉट तो बहुत अच्छा है, मुझे सेल आउट कर दें, मैंने ये लेना है। तो उसके लिए वो पहले लोग जो है वो एरिया को विजिट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना करते हैं, फिर ही वो चीज़ सेल आउट होती है। तो ऐसी चीज़ जो कि हाई टिकट है, मतलब हाई टिकट मीन्स ज़्यादा उसकी हाई प्राइसेस हैं, ठीक है, तो हाई प्राइसेस वाली चीज़ें डायरेक्टली सेल नहीं होती। उसके लिए फिर वो जो लोग एक अपनी एड के ऊपर जब वो क्लिक करते हैं ना कोई भी, तो उस एड के ऊपर क्लिक करने से एक फॉर्म शो होता है उन्हें, तो वो उस फॉर्म के अंदर अपना डाटा एंटर कर देते हैं, फोन कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह या ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो वो जो डाटा है ना कलेक्ट करने के बाद, जो उनकी टीम्स होती है ना जो प्लॉट सेल कर रहे हैं, उनकी टीम्स वो कॉल सेंटर को वो डाटा देती है, और फिर उस डाटा के थ्रू उनको कॉल्स की जाती हैं लोगों को, और फिर उनको प्रमोशनल डाटा भी उनकी ईमेल्स में सेंड किया जाता है कि हम ये वाला प्लॉट जो है वो न्यू सेल कर रहे हैं। तो जब लोग उस और फिर उन कॉल्स जब कॉल की जाती है, तो कॉल में उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो भी वो मांग रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो बिडिंग होती है, मतलब जैसे बोली लगती है कि जो ज्यादा प्राइस पे करता है प्लॉट की, उसको वो प्लॉट दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए पहले फॉर्म वगैरह फिल करवाया जाता है जब भी उनकी एड रन हो रही होती है, तो एड पे क्लिक करके वो फॉर्म शो होता है, और फॉर्म के अंदर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने ये वाला गोल सिलेक्ट करना है। इसके बाद है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वेबसाइट है, और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के थ्रू लोग ज्यादा से ज्यादा सेल परचेज करें आपकी प्रोडक्ट्स, तो वो तभी होगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपकी वेबसाइट को देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट्स लगी हुई है। तो जब वो देखेंगे तो उन्हें कोई प्रोडक्ट्स फिर ही तब पसंद आएगी, वो तभी उसका ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाला गोल जो है इसको चूज करना है। तो इसमें वो आपकी ऐड के ऊपर एक यूआरएल शो होगा, तो जब लोग क्लिक करेंगे तो उस यूआरएल वो यूआरएल ओपन हो जाएगा, यानी वो आपकी वेबसाइट ओपन होगी उन्हें, ठीक है। तो वो उस वेबसाइट पे लोग जाएंगे। अब ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि गुड फॉर ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स के ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वेबसाइट विजिटर्स वाला गोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट गोल है गेट मोर कॉल्स। अब अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपका लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन गेट गेट करें, तो आप ये वाला गोल सिलेक्ट करेंगे। और ये गोल ज्यादातर जो है ना, ये स्कूल्स वगैरह जो है यूज कर रहे होते हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस, जब उनके एडमिशंस ओपन होते हैं ना, तो न्यू एडमिशंस की एड रन करते हैं, तो उसके ऊपर वो ये गेट मोर कॉल्स का ऑब्जेक्टिव लगाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें, और हमसे एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, और हमारे जो एडमिशन्स है ना वो इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। तो वो मोस्टली गेट मोर कॉल्स का ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमने फॉर एग्जांपल गेट मोर मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया और उसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, देखिए, मेरा जो पेज था वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड था, और मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं अपने कोई प्रोडक्ट नहीं लोगों को बेच रही, बल्कि अपनी सर्विसेज बेच रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी मैं गेट मोर मैसेजेस ही का ऑब्जेक्टिव लगाऊंगी, क्योंकि मुझे
ये मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मैसेज करें और मेरी सर्विसेज जो है वो बाय करें, मुझसे मेरी सर्विसेज के बारे में पूछें और मुझे ऑर्डर कर दें करें कि मैं उनका काम करूँ, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताए हैं ये क्लियर है? इनमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप जल्द से चैट बॉक्स में कर लें, अदरवाइज फिर अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कर दें, तो मैं आगे चलती हूँ फिर। ओके ठीक है। अब आगे देखिए, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब ये जो क्रिएटिव क्या होता है कि जो हम अपनी एड के अंदर जो इमेज वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, इमेज और इसको एड क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है। अब अगर तो जब भी किसी को एड शो होती है ना, तो उसको इस इमेज के साथ साथ उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट भी शो हो रहा होता है, ठीक है। अब मेनली जब हम ये अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं, तो ये पोस्ट के ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा था ये हमें वही वाला टेक्स्ट शो हो रहा है, और नीचे उसकी जो है ना एक इमेज शो हो रहा है। अब उन्होंने कहा जब हम एडवांटेज प्लस वाला क्रिएटिव एडवांटेज प्लस क्रिएटिव को ऑन कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि जो फेसबुक है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना जो हमारा क्रिएटिव है इसकी डिफरेंट वेरिएशंस लोगों को शो करता है। डिफरेंट वेरिएशंस का क्या मतलब है कि जैसे ही हमने ऊपर एक लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन से मिलती जुलती कुछ दो तीन लाइंस जो है ना फेसबुक चूज करता है, और फॉर एग्जांपल कुछ ऑडियंस को वो एक लाइन यहाँ पे लिख के दिखा देगा, और दूसरी जो कुछ ऑडियंस है उसको इससे मिलती जुलती कोई और लाइन यहाँ पे लिख के तो वो शो कर देगा। यानी इस एक ही क्रिएटिव यानी एक ही एड जो है वो डिफरेंट उस एड की वेरिएशंस लोगों को शो हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कुछ हम जब फेसबुक देखता है कि ये वाली वेरिएशन के ऊपर ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मतलब उसने फॉर एग्जांपल 3 वेरिएशन लोगों को शो की, मतलब कुछ लोगों को एक वेरिएशन शो कर दी, कुछ को दूसरी और कुछ को तीसरी, ठीक है। अब तीनों में से जिसके ऊपर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो फिर फेसबुक वो वाली जो वेरिएशन है ना वो फिर बाकी के जो लोग हैं ना उन सबको मतलब ज्यादा जो लोग हैं उनको वही वेरिएशन नेक्स्ट पेज में शो करवाएगा, ठीक है, जिसपे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इससे हमारी एड की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी एक किस्म की टेस्टिंग है जो फेसबुक खुद से कर रहा है, और वो देख रहे हैं कि कौन सी वाली जो है वेरिएशन उस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो फिर वो वाली वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट डे लोगों को दिखाएगा। क्योंकि हम एड जो है ना वो जस्ट वन डे के लिए रन नहीं कर रहे होते, मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है ना हम 7 डेज तक एड को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमें कैसे अच्छे रिजल्ट आए हैं उस एड से। तो अब जो फर्स्ट डे में उसने शो करवाई 3 वेरिएशन, तो उसको जिस वेरिएशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे वो नेक्स्ट डे वो वाली वेरिएशन ज्यादा दिखाएगा लोगों को, ठीक है। ओके इसके बाद आ रहा है मैसेजिंग का पार्ट, ठीक है। अब मीटिंग का टाइम ना ओवर होने वाला है, जस्ट आई थिंक 3 मिनट्स ही रह गए, तो मैं ये मीटिंग लीव करके आपको फिर ना दोबारा से लिंक सेंड करूंगी, तो आपने वो ज्वाइन करना है। अच्छा ये ना मैं ऐसा करती हूँ, जो मैं इन थोड़ा सा टाइम में बता सकती हूँ ना पहले मैं आपको वो बता देती हूँ जल्दी से, फिर मैं मीटिंग लीव करूंगी 1 मिनट से, 1 मिनट रह जाएगा ना तब, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं कि वेयर डू यू वांट पीपल टू मैसेज यू, यानी अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें, यानी आपको मैसेंजर पे मैसेज करें, मैसेंजर मीन जो फेसबुक का मैसेंजर होता है उस पे, या इंस्टाग्राम में पे, या फिर व्हाट्सएप पे। अब देखें अगर तो ये तीनों के तीनों उसने खुद से सिलेक्ट किए हुए हैं, अब तीनों सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे कौन सा बटन शो हो रहा है? सेंड मैसेज का, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लिक करेगा इसके ऊपर सेंड मैसेज के ऊपर, तो वो इन तीनों में से किसी पे भी मैसेज कर सकता है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट जो टू है ना इन दोनों को खत्म कर देती हूँ और जस्ट व्हाट्सएप पे ही रहने देती हूँ, तो आप ये देखिएगा ये लोड हो जाए, इसका प्रीव्यू फिर देखते हैं। अब देखें अब मैंने जस्ट व्हाट्सएप रहने दिया ना, तो सिर्फ व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि लोगों को व्हाट्सएप का बटन शो हो और लोग जैसे आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस करें, तो आप बाकी दोनों को जो है ना उसकी जो सिलेक्शन है वो रिमूव कर दें, ठीक है। तो जस्ट आप व्हाट्सएप को ही सिलेक्टेड रहने दें, तो फिर आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का ही बटन शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग मैसेंजर पे भी मैसेज करें, तो फिर आप उसको भी ऑन कर दें, और फिर आप जो जब लोगों को ऐड शो होगी तो उन्हें सेंड मैसेज का बटन शो हो जाएगा, ठीक है। ओके अब 2 मिनट्स रह गए, अब मैं आई थिंक मैं मीटिंग लीव कर देती हूँ, फिर मैं आपको 5 मिनट्स के बाद दोबारा से सेंड करती हूँ लिंक, और फिर मैं आपको बाकी का एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। तब तक आप अपनी ऐड के लिहाज से ना अपनी सेटिंग्स करें जो मैंने अभी आपको बताई है, गोल सेलेक्ट कर लें अपना,
और यहाँ पे जो बोल के हाथ से हमने जो भी एप्स वगैरह सेलेक्ट करनी है वो भी कर ली, ठीक है। ओके मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग। पहले हम जो था मैसेजिंग टेम्पलेट पर पहुंच चुके थे। अब देखिए हमने ये गोल सिलेक्ट किया कि दो हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करें, ठीक है। तो जब भी कोई भी मैसेज बटन पे क्लिक करेगा ना, यहाँ पे देखिए सेंड मैसेज का बटन शो हो रहा है। अब जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो मैसेंजर उसको सामने ओपन होगा, तो उसको हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक होते ही उसको एक ग्रीटिंग मैसेज सेंड हो, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर मैं ये पेंसिल पे क्लिक करके इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैसेज को चेंज कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने ग्रीटिंग मैसेज शो किया हुआ है, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, कि कोई भी आपको मैसेज बटन पे क्लिक करे तो आपकी तरफ से उसको एक मैसेज आएगा कि हमें बताइए कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो हम इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से अरेंज करके कुछ और भी लिख सकती हूँ। बाद हम यहाँ पे ना जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना हाय, इसके बाद हम जो भी हमें हमें मैसेज बटन जो भी मैसेज बटन पे क्लिक करें ना, हम उसका नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना, आप प्लस पे क्लिक करें। आप ये देखें आपने उन्होंने कहा है कि आप जो रेसिपिएंट मींस के जिसको आपका मैसेज रिसीव होगा ना उसका फर्स्ट नेम आप एंटर करना चाहते हैं या उसका सर नेम यानी मींस के उसका सेकंड नेम या फिर उसका फुल नेम आप एंटर करना चाहते हैं यहाँ पे या फिर आप पेज का नेम एंटर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जिसने हमें मैसेज किया ना हम उसका फुल नेम यहाँ पे शो करवा दें। तो फिलहाल तो हमें मैसेज हमें किसी ने मतलब किसी ने मैसेज बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ तो इसलिए उसने हमारे पेज के नेम यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन जब कोई भी बटन पे क्लिक करेगा ना तो हमारे हमारे पेज की नेम की जगह पे उस शख्स को उसका नेम शो होगा, ठीक है। ओके इसके बाद ग्रीटिंग मैसेज के बाद ना उसको वो जो जो भी शख्स मैसेज बटन पे क्लिक करेगा ना उसको कुछ ऑटोमेटिक क्वेश्चन शो हो जाएंगे कि वो इनमें से कुछ चूज कर सकता है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है प्लीज गिव मी मोर डिटेल, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते इसको अरेज करके खुद से लिख सकते हैं के विच सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, ठीक है। क्योंकि हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो कोई भी हमें जब मैसेज करेगा तो हमसे वो ये पूछ सकता है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अब ये स्लाइड पे देखिए ये प्रीव्यू भी आ रहा है कि जब भी किसी ने मैसेज बटन पे क्लिक किया उसको ये ग्रीटिंग मैसेज किया, ठीक है। उसके बाद उसको ये वाला ऑप्शनल मैसेज मतलब एक ऑटोमेटिक मैसेजेस आपने लिख के सेव कर देने, तो वो इनमें से किसी पे भी क्लिक करके कोई मैसेज जो है ना कोई भी मैसेज आपको सेंड कर सकता है और आप उसका ऑटोमेटिक आंसर भी दे सकते हैं। ये देखिए आंसर क्या, अगर उन्होंने ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप या तो यहाँ पे आंसर एंटर कर देंगे ना तो अगर कोई भी क्वेश्चन पे क्लिक कर देगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो आंसर सेंड हो जाएगा जो कि आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ वी प्रोवाइड फेसबुक मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग और सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा गूगल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट ठीक है। इसके अलावा एसईओ भी दे सकते हैं, अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप उनके एसईओ को भी कर सकते हैं वेबसाइट की ताकि उनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, ठीक है। तो अगर तो आपने ये सारी मतलब खुद से कुछ सर्विसेज बता दी और फिर यहाँ से आप सेव कर देंगे ना तो जैसे ही कोई शख्स वो मैसेज पे क्लिक करेगा तो आपका मैसेज और जो आंसर आपने ऑटोमेटेड आंसर आपने सेव किया वो उसको खुद ही सेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके अब ये देखें ये उन्होंने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स को ऑन शो किया हुआ है, मीन्स आपने जो ऑटोमेटिक आंसर लिखा हुआ था ना वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके ये एप्स तो मैंने आपको बता दिया था कि
कौन सी वाली ऐप जो है वो आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप मैसेंजर और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को भी, तो आपको सेंड मैसेज का बटन शो होगा, और अगर आप जस्ट व्हाट्सएप को ही सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको व्हाट्सएप वाला बटन शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी है, एक मिनट मैं आपको ये बताती हूँ। मैसेज करेंगे अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कहा है कि आपके पेज की जो कैटेगरी है ना, फेसबुक ने देखा कि हमारे पेज की कैटेगरी कौन सी है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना वो फेसबुक अब हमें बता रहा है कि कौन सी वाली कैटेगरी आप सिलेक्ट आपको चाहिए कि आप सिलेक्ट कर लें। तो वो कह रहे हैं कि वी रिकमेंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एज अ स्पेशल ऐड कैटेगरी टू हेल्प प्रिवेंट एंड ऐड रिजेक्शन। तो वो ही कह रहे हैं कि हम आपके पेज की जो सेटिंग्स है ना उसको देख के हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है ना वो सिलेक्ट कर लें। तो अब आपने खुद से देख रहे हैं कि आप जो है वो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो आप अपनी एजेंसी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ से ये जो स्पेशल ऐड कैटेगरी है इसको ऑन कर दें। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, तो फिर आप इसको ऑफ रहने दें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये समझ आ गया स्पेशल ऐड कैटेगरी? अगर समझ आ गया तो क्लियर का मैसेज कर दें, और अगर नहीं आया तो फिर रिपीट का मैसेज आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, ये देखिए फिलहाल पहले मैं इसको ऑफ करती हूँ। आप देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आपके फेस आपने अपने फेसबुक पेज की कुछ सेटिंग्स की थी ना, अपनी कैटेगरीज वगैरह आपने डिफाइन की थी। कुछ जैसे हमने कैटेगरी में डिफाइन किया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, और तो और इसके अलावा हम वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो फेसबुक आपके जो पेज की सेटिंग है ना उसको देखता है, पेज की कैटेगरीज वगैरह जो आपने डिफाइन की हुई है उनको देखता है, और उनके अकॉर्डिंग ना वो आपको एक आपकी ऐड की एक ऐड कैटेगरी रिकमेंड करता है कि ये वाली स्पेशल ऐड कैटेगरी है। अगर तो आप हमें मुझे फील हो रहा है कि ये आपकी ना ऐड से आपके पेज से रेलिवेंट है, तो आप ये वाली कैटेगरी को चूज कर लें। ठीक है। तो अगर तो आपको लगे ना कि जो फेसबुक ने आपको रिकमेंड की है कैटेगरी वो वाकई आपकी ऐड की कैटेगरी है, तो आप इसको ऑन कर दें। और अगर आपको लगे कि उसने जो मुझे रिकमेंड की है वो मेरी ऐड की कैटेगरी नहीं है, तो इसको ऑफ ही रहने दें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि बेस्ड ऑन योर पेज कैटेगरी, यानी अपने अपने पेज की जो कैटेगरी सेट की है उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सिलेक्ट कर लें एम्प्लॉयमेंट की स्पेशल ऐड कैटेगरी। ठीक है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट वाली ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, तो जाहिर है ये हमारी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जो लोग जॉब्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन हम मेरी हमने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई, तो अगर तो आपको अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एम्प्लॉयज चाहिए तो आप इसको ऑन कर दें। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज नहीं एम्प्लॉयज आपको नहीं चाहिए और आपके ऐड का पर्पस जो है वो एम्प्लॉयज को फाइंड करना नहीं है, तो फिर आप इसको ऑफ ही रहने दें। क्योंकि अगर आपका पर्पस जस्ट ये है कि लोग आपको आपसे आपकी सर्विसेज बाय करें, तो फिर आप ये एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ आ गए? ओके, ठीक है। अच्छा, मैं अब आगे चलती हूँ। अब ये देखिए, उन्होंने पूछी है कि आपकी ऑडियंस की डिटेल क्या है। ठीक है। तो अब उन्होंने ना कुछ खुद से ही सिलेक्ट की हुई है कि लोकेशन पाकिस्तान सिलेक्ट की है, एज 18 to 65+। तो आप इसको एडिट पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे अपने जो एड है उसके ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब ये जो जेंडर है, आप इसमें से मेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के से रिलेटेड ऑडियंस को देख के, या वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल, यानी दोनों जेंडर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं ना, जैसे आप लेडीज के क्लोथ सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उसको उस फिर आप दोनों जेंडर्स ही ऑन रहने दें। क्योंकि शुरू में ना हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी वाली ऑडियंस में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगर तो आप दोनों जेंडर्स स्टार्टिंग में ऑन रहने देंगे ना,
तो फिर ये है कि आप ये देखिए 7 डेज आपने एड रन की और फिर आपने रिजल्ट चेक करने हैं कि आपको जो लेडीज जैसे लेडीज प्रोडक्ट्स भी है ना, तो जो मेन होते हैं वो भी तो उनको बाय कर रहे होते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग अपनी जैसे मदर्स के लिए या अपनी सिस्टर या अपनी वाइफ्स के लिए एज अ गिफ्ट वो बाय कर लेते हैं। तो आपने 7 डेज तक वो एड रन करके देख लेना है कि वो प्रोडक्ट जो है मेन जेंडर वाले भी बाय कर रहे हैं या नहीं। अगर तो वो कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम आप उनको जो मतलब पूरे 7 डेज चाहे आप ना चलाएं, आप 1-2 दिन के बाद रिजल्ट चेक कर लें कि उन्होंने की है या नहीं, ठीक है। तो अगर तो वो बाय कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जो है वो मेन को टारगेट कर लें, और अगर नहीं करे तो आपने नेक्स्ट टाइम टारगेट नहीं करना, ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हम अपनी अपनी एड रन कर रहे होते हैं ना, तो एड जस्ट एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अपने हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कौन सी वाली ऑडियंस है जिसे में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो आपने स्ट्रिक्ट नहीं करना कि एक टाइप की ऑडियंस को ही हमने देखना है और एक ही एरिया को हमने जस्ट टारगेट करते रहना। तो आपने डिफरेंट एरियाज को भी टारगेट करके उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, और डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करके आपने चेकआउट करना है कि कौन सी वाली ऑडियंस है आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद एज है, आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस एज के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। अगर तो आप कुछ सेल आउट कर रहे हैं ना, तो मोस्टली जो लोग तो चीजें खरीद रहे होते हैं तो उनकी मिनिमम एज 20 से स्टार्ट हो रही होती है, मीन्स 20 से अबव के लोग कुछ भी परचेज कर रहे होते हैं। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 या 45 एज के लोग ही ज्यादातर चीजें खरीदते हैं। इससे ज्यादा जो होते हैं पाकिस्तान में तो खैर नहीं खरीदते, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है वहां तो कर लेते होंगे, क्योंकि वहां पे जो है लिटरेसी रेट वो काफी ज्यादा है, मतलब वो लोग वहाँ के काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो अब हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, तो जो मोस्टली ज्यादा एज के पीपल हैं उनको तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना आता ना, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर ही नहीं कर रहे होते। तो फिर इस केस में 20 से 40 तक जो है ना एज काफी होती है कि आप 20 से 40 कर लें, या मैक्सिमम 20 से 45 कर लें। 45 भी ज्यादा ही है, क्योंकि आई डोंट थिंक 40 से अबव कोई भी पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग करता होगा, ठीक है। तो अगर तो आप ऑनलाइन कोई चीज सेल आउट करें ना, तो वो 20 से 40 एज ठीक है। अच्छा, सपोज करें कि आप कुराने पाक की क्लासेस देते हैं, कुराने पाक पढ़ाते हैं ना, तो आप अपनी कुरान अकेडमी की एड रन करें। तो अब आप सोचें कि अपनी कुरान पाक की अकेडमी के लिए की एड रन करने के लिए आपको की जो ऑडियंस है कितनी लिमिट के जो लोग हैं ना, वो इंटरेस्टेड होंगे इस एड के थ्रू आपसे वो सर्विसेज लेने में। अब आप सोच के मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जल्दी से बताइए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट ये है कि आप अपना माइंड माइंड यूज करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने अपनी टारगेटिंग खुद करनी है ना अपनी ऐड की। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो आपने सोचने होते हैं, और फिर उन सिनेरियोज से रेलिवेंट जो ऑडियंस है उनके बारे में भी आपने सोचने हैं कि उनके एज ग्रुप्स क्या होंगे, उनके जेंडर्स क्या होंगे, तो फिर आप अच्छी एड्स रन कर सकते हैं ना। ओके, क्वेश्चन किंजा कहने क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करें आप पुराने पाक पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको कुरान एकेडमी है और आप उसकी अब एक ऐड रन करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुरान पाक पढ़ाने की जो सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब आपने ये सोचना है कि कौन सी एज किस एज की ऑडियंस जो है ना वो आपसे ये सर्विसेज लेने में इंटरेस्टेड होगी, तो आप उस ऑडियंस को ये ऐड शो करेंगे ना, उस एज ग्रुप के ऑडियंस को। तो किस एज ग्रुप की ऑडियंस है जिसको आप अपनी ये ऐड शो करवाना चाहेंगे कुरान अकेडमी की, जो आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड होंगे आपसे ये सर्विसेज लेने में। ओके, अब्दुल अहद ने कहा 10 to 25 और किंजा ने कहा 15 to 30। अच्छा अब्दुल अहद, तो पहले तो हमने कुछ काफी मिनिमम एज जो है ना वो काफी ज्यादा ही कम कर दी है। अब आप देखें जो बच्चे बच्चे खुद ही 10 इयर्स के हैं पाकिस्तान में, तो आप देखें हमारे जो लिटरेसी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा तो है नहीं कि इतने जो छोटे बच्चे हैं ना वो खुद से सब कुछ करेंगे। तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए चीज सर्विस बाय करेंगे ना आपसे, बच्चे डायरेक्टली खुद तो आपसे नहीं कहेंगे ना, फिर 10 से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो खुद से आपसे कुरान पाक की सर्विसेज लेने के लिए आपको मैसेज नहीं करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स ही इस चीज में
इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ओहो माही, कब से वेट कर रही हूँ, सॉरी। ओके अब देखिए, ये जो कुरान पाक की जब आप सर्विसेज दे रहे हैं ना, कुरान एकेडमी की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ज्यादातर जो है ना पेरेंट्स ही आपसे रब्ता करेंगे कि हमारे बच्चों को आप पढ़ा दें, ठीक है। तो ये आप तो पेरेंट्स करेंगे या फिर वैसे ही समटाइम्स ये होता है कि तो मैंने 15 ईयर्स नहीं कहा ना, ये तो किंजा ने कहा 15 ईयर्स। अब्दुल्ला हद कह रहे 15 ईयर्स के कौन से पेरेंट्स थे, मैंने नहीं कहा 15 ईयर्स। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने काफी कम मिनिमम एज बता दी है कि 10 to 15 ईयर्स के कोई भी लोग आपको खुद से मैसेज करके नहीं कहेंगे कि हमें कुरान पाक पढ़ना है हमने, ठीक है। क्योंकि वो तो खुद छोटे हैं अभी, और तो और पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते इस एज में कि वो आपसे खुद से रब्ता करके कहें कि हमें ये सीखना है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में तो हम ये कह सकते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके बच्चे वहाँ पे इतने मेच्योर हो जाते हैं इस एज में कि वो खुद से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो किसी भी चीज कोर्सेज में एनरोल कर हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग हमारा सिस्टम नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई भी सर्विसेज लेगा ना कुरान पाक रीड करने की, तो वो पेरेंट्स ही मोस्टली होंगे, ठीक है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि 25 ईयर्स, या फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज गोइंग होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो खुद से कह सकते हैं कि वो जैसे कुरान इस्लामियत वगैरह पढ़ रहे हैं या कुरान पाक वो अरेबिक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे खुद से कॉन्टेक्ट करके कह सकते हैं कि हम रीड करना चाहते हैं। तो वो 20 से आप कर लें, 20 से लेके 60 ईयर्स तक, या 65 या मैं 65 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 60 ईयर्स तक जो है ना वो लोग, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने पोतों के लिए, नवासों के लिए कर सकते हैं कॉन्टेक्ट के हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा, ये हमने दो सिनेरियोस ले लिए हैं। एक हमने ये कंसीडर किया था कि अगर हम कुछ सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एज ग्रुप क्या होगा, वो मैंने आपको बताया कि हम 20 से 40 या 45 तक रखेंगे, क्योंकि जब हम कुछ सेल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा छोटे लोग भी वो चीज खुद से परचेज नहीं कर रहे होते, और बहुत ज्यादा एजिड पीपल भी पाकिस्तान में खुद से वो चीज परचेज नहीं करते, क्योंकि वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते जो बहुत ज्यादा एजिड लोग हैं पाकिस्तान में। अब्दुल्ला हद कहाँ वापस जा रहे होते हैं 60 वाले, वो मैंने आपको जैसे ये कहा कि जैसे 60 ईयर्स के अगर लोग भी हैं ना, तो वो अपने जो नवासे हैं या नवासी हैं, या जैसे उनके मतलब उनके जो बच्चों के बच्चे हैं उनके लिए आपसे सर्विसेज बाय कर सकते हैं। लेकिन मतलब आप 20 से स्टार्ट कर लें, 20 से 50 तक कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अलावा हमने एक सेकेंड सिनेरियो ये कहा था। अच्छा, सेकंड जो हमारा सिनेरियो था वो हमने कुरान एकेडमी वाला देख लिया, वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम मैक्स जो मिनिमम एज है ना वो 20 सेलेक्ट करें, तो 20 से लेके आ गया 50 तक कर ले मैक्सिमम, बहुत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाई हुई है ना, तो इसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी सर्विसेज किस एज के लोग जो है वो हमसे बाय करना चाहेंगे, आप इसके बारे में सोचें, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले आप बताएं मुझे चैट बॉक्स में जो आपको लगे कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज इस एज ग्रुप के जो लोग हैं ना वो हमसे बाय करेंगे, और इसके रीजन भी आपने सोचनी है, ठीक है। अरे अब जल्दी सोचें, ओके। अब्दुल्ला खान ने कहा है 20 to 45, गुड, अच्छा बताया वैसे आपने। बाकी बच्चे भी सोचें, फिर मैं बताती हूँ। इंसा ने 25 to 40 बोला है, ठीक है।
ओके, माहीन कह रही थी 26 से जो अबव एज के लोग हैं वो हम सिलेक्ट करें, क्योंकि वो लोग जो स्टडीज खत्म करने के बाद आपसे बिजनेस की अवेयरनेस लेने के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए, जब हम मिनिमम एज सिलेक्ट करेंगे ना, आई थिंक वो 25। ठीक है, आफ्टर 10th बच्चे ये कोर्स स्टार्ट। अच्छा देखिए, हम ना कोर्स की इंफॉर्मेशन कोर्स नहीं करवा रहे, ठीक है, मतलब कुछ एजेंसीज होती है ना डिजिटल मार्केटिंग, वो कोर्स भी करवाती हैं, मतलब हम ये जो हमारी जो एजेंसी है ना वो कोर्स नहीं करवा रही, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोगों को, मतलब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके थ्रू लोग हमसे अपनी एड्स रन करवा सकते हैं, अपने लिए वेबसाइट्स बनवा सकते हैं और SEO करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स की। ठीक है, तो इस केस में जो है ना हम ये देखेंगे कि कौन हमसे वही कॉन्टेक्ट करेगा ना जिस अपना कोई बिजनेस है या जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो बिजनेस सेटअप करने की एज है वो 25 के बाद ही स्टार्ट होती है ना, तो आप 25 से स्टार्ट कर लें, और जो बिजनेस 25 से लेके 45 तक रख लिए, तो मतलब जो काफी एज के लोग हैं ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे कॉल आ रही है, मुझे वो सुन के आपको क्लास कंटिन्यू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, एक मिनट मैं देख कर बताती हूँ। नहीं अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ, पता नहीं मुझे अगर ना पता चला तो सुनिए। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप 25 से स्टार्ट कर लें और 45 या 50 तक रख लें, क्योंकि बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा मतलब एज के लोग भी कर रहे होते हैं, 45 से 50 तक के मतलब एजेड पीपल भी तो बिजनेस कर रहे होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो भी कर रहे होते हैं बिजनेस, तो आप 50 तक रख लें, 20 से 50 तक। ठीक है, अच्छा, और ये जस्ट आपकी टेस्टिंग होती है, मतलब आपने पहले सोचना है कि इस जो हम एड रन कर रहे हैं ना उसमें कौन सी एज के लोग जो है वो इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये वाली एज के लोग लेंगे ना, तो आप करके देख एड रन करके देखें, और अगर आपको मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा ना, तो फिर आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस पर टेस्ट कर लें कि हमें कहाँ से रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, मोस्टली अगर हम अच्छा सोच के करेंगे ना टारगेटिंग, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद ना लोकेशंस है कि हमने किस किस लोकेशन में अपनी एड को शो करवाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में है, ये भी मैं आप जैसे हमने अभी एज के सिनेरियोस कंसीडर किए ना, वैसे भी इसके भी हम कुछ सिनेरियोस कंसीडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोकेशन को भी देखेंगे कि कौन कौन से हम ना लोकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं उन सिनेरियोस में। ठीक है, अच्छा सबसे पहला जो हमारा सिनेरियो है ना, वो हम यही देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज कोई प्रोडक्ट जो है ना वो सेल आउट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें हम कहाँ कहाँ पे अपनी एड को शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में हम सिर्फ अपने सिटी में तो नहीं ना करेंगे, हम बाकी सिटीज में भी सेल करना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो हम कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो अच्छा, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में ना आपके पास बजट कम है, आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान के हर एरिया को टारगेट करें। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको बजट भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर आपके पास शहर में कम बजट है, तो आप क्या करेंगे, आप जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं आप जस्ट उनको टारगेट कर लें, और दूसरी बात ये कि अगर आपकी आपने ना अपनी चीज जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं ना, आपने उसकी प्राइस भी देखनी है, अगर तो वो चीज़ बहुत ज्यादा ना एक्सपेंसिव है, तो फिर आप जो थोड़े पोश एरियाज है ना अपने सिटी के, उन पोश एरियाज को टारगेट कर लें, क्योंकि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो जो स्मॉल एरियाज के पीपल हैं वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और वो उसको कभी भी नहीं बाय करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो पोश एरियाज हैं, जैसे बड़े जो हर टाउन मॉडल टाउन है और DHA वगैरह है, इस तरह के एरियाज को टारगेट कर लें। ठीक है, और अगर तो आपकी जो प्रोडक्ट है आप नॉर्मल प्राइस है, तो फिर आप पूरा जैसे पूरा का पूरा लाहौर ही सिलेक्ट कर लें, इसके अलावा आप जो और दूसरे जो सिटीज हैं जैसे इस्लामाबाद वगैरह या कराची, जो बड़े सिटीज हैं उनको भी टारगेट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए ना आप एक हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे गूगल पे, गूगल से या गूगल पे लिख के सर्च करें। पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ पाकिस्तान, यानी जो सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं
वही सब उनके बारे में आप देख लें कि वो कौन से हैं। तो जैसे ये लिस्ट एक शो हो रही है, लिस्ट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, तो मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ से ना आप ये देखिए, ये उन्होंने लिस्ट शो की हुई है कि सबसे ज्यादा कराची में पॉपुलेशन है, उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, ठीक है। तो आप इसमें से जो टॉप 5 to 10 सिटीज है ना, आप इनको टारगेट कर लें, ठीक है। तो फिर और दूसरी बात ये, इसकी हम ये जो बड़े सिटीज है ना, इनको क्यों टारगेट कर रहे होते हैं, इसकी रीजन ये होती है कि जो हमारी जो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करने वाली जो उनसी कंपनीज है ना, कोरियर कंपनीज है, वो इन बड़े सिटीज में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और मतलब उनका लिए इन सिटीज में किसी भी एड्रेस पे पहुंचना इजी होता है, वो इजीली वहां पहुंच के आपके जो चीजें ना वो डिलीवर कर देती हैं। जबकि बहुत जो छोटे एरियाज होते हैं उनमें आपने देखा है कि वो गलियां बहुत तंग तंग होती हैं, और इतना मतलब एक किसी भी घर का एड्रेस फाइंड आउट करना जो होता है ना कोरियर कंपनी वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन इसलिए जो बड़े जो शहर है ना, वहां पर इनकी जो है ना सर्विसेज बहुत इफेक्टिव होते हैं, ये इजिली वहां तक आपकी चीज पहुंचा देते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो बड़े सिटीज है ना, यहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं आपकी चीजें, तो रिटर्न रेट बहुत जो है ना स्मॉल सिटीज की निस्बत कम होता है, क्योंकि स्मॉल सिटीज में लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई भी चीज। आपने मोस्टली देखा होगा लोग ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जब उनके पास ऑर्डर आता है तो वो लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो उसकी चीज की प्राइस पे नहीं कर पाते। तो इस और जो बड़े सिटीज हैं वो वहाँ पे तो लोगों का मोस्टली जो होता है ना रुझान ही ये होता है कि वो ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं, ठीक करते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे अगर वो कोई आपको ऑर्डर करेगा तो अगर तो वहाँ वो लोग मोस्टली कर ही मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो आपसे भी वो चीज बाय कर लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न रेट कम है, इसके अलावा मतलब आपके ज्यादा जो लोग है ना, ज्यादा ऑर्डर्स भी इन्हीं सिटीज से आते हैं, मतलब जो बड़े सिटीज हैं यहाँ पे से ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं। अगर आप स्मॉल सिटीज को भी टारगेट करें ना, तो आप खुद देखिएगा कि जो स्मॉल सिटीज है ना वहाँ से ऑर्डर रेशो कम होगी, और जो लार्ज सिटीज है वहाँ से ऑर्डर रेशो आपके पास ज्यादा आएगी, ज्यादा ऑर्डर आपको आएंगे, ठीक है। तो शुरू में अगर आपके पास कम बजट है ना, तो आप बड़े सिटीज को ही टारगेट कर लें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, ठीक है। ओके, मैं अब आपको टारगेट करके दिखाती हूँ कुछ, जैसे ये देखिए कराची। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ मैं, कि जब हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना वो कराची से आते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा जहाँ पे लोग रहते हैं, तो जाहिर है। और यहाँ पे ना एक ऑनलाइन चीजें से बाय करने का रुझान भी बाकी सिटीज से थोड़ा ज्यादा है, तो कराची से ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन सिटीज को हम टारगेट करते देखते हैं कैसे टारगेट करना है। तो आपने यहाँ पे ना लोकेशन को सर्च आउट करना है। अगर तो आप जैसे पाकिस्तान पूरे कंट्री को नहीं आप करना चाहते ना, तो आप ये पाकिस्तान को कट कर दें यहाँ से, वरना ये पूरे पाकिस्तान में आपके ऐड शो करवाएगा। तो हम किसको करना चाह रहे हैं, कराची को, तो आप कराची लिख के फाइंड आउट कर लें। अच्छा, अब ये देखिए ये आपको बहुत सारे कराची शो करेगा, ये कराची से इन पाकिस्तान, कराची मनोरा सिंध पाकिस्तान। अब आपको जो मोस्ट रेलिवेंट वाला कराची लगे ना, तो वो वाले पे क्लिक कर लें। अभी कराची सिंध पाकिस्तान जो है ना, ये मोस्ट रेलिवेंट है, तो आप इस पे क्लिक करें। अच्छा, अब देखिए उन्होंने लिखा है कि कराची के का ना, ये कराची के इर्द गिर्द एक सर्कल शो हो रहा है, ठीक है। अब इस सर्कल का ना रेडियस उन्होंने लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका मतलब कि कराची से 40 किलोमीटर राइट, 40 किलोमीटर लेफ्ट, 40 अबव और 40 बिलो, हर तरफ 40 किलोमीटर तक ये आपके ऐड शो करवाएगा, ठीक है। अब ये 40 किलोमीटर ना काफी ज्यादा रेडियस होता है, इसमें हर शहर के इर्द गिर्द ना कुछ स्मॉल ना विलेजेस वगैरह होते हैं, छोटे देहात, छोटे गांव होते हैं। तो अब जब हम इतना ज्यादा रेडियस जो है ना उसको टारगेट करेंगे ना, तो ये सिर्फ कराची नहीं रहेगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द वाले जो छोटे छोटे से मतलब गाँव वगैरह ना, वो भी शामिल होना हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए आप इसका ना रेडियस कम कर दिया करें। अब ये देखें, ये नीचे एक लाइन शो हो रही है ना, यहाँ से ये आप इसके रेडियस को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम रेडियस कर दें 17 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, अगर तो किसी का ये किलोमीटर की जगह माइल में शो हो रहा है ना, तो वो मिनिमम 10 माइल्स करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कराची कर लिया, अब मैंने करना है लाहौर। अच्छा, देखिए लाहौर में भी काफी सारे शो हो रहे हैं, तो लाहौर पंजाब पाकिस्तान सबसे रेलिवेंट है, तो हम ये वाला करेंगे, ठीक है।
और इसका भी रेडियस आपने कम करके मिनिमम जितना 17 है तो 17 कर दें, ठीक। इसके बाद फैसलाबाद था, ये फैसलाबाद सिटी में कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसके देखिए खुद ही 2 किलोमीटर काफी कम रेडियस शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको आप ड्रैग करके देखें ये फैसलाबाद किस जगह पे आ रहा है पहले, ठीक है। ये लाहौर आ रहा है हमारे पास, ये लाहौर से आगे ये शरकपुर ये गांव है वो आ रहा है, फिर ननकाना साहब जरावाला, और ये आ रहा है फैसलाबाद, ठीक है। मीन्स आपने मैप पे चेक करना है कि ये जो फैसलाबाद शो हो रहा है ये पाकिस्तान में का ही फैसलाबाद शो हो रहा है, क्योंकि वहां पे देखिए कि जब हमने यहाँ पे ना सर्च कर रहे थे तो एक ही जगह काफी ज्यादा सारे वो सिटीज फैसलाबाद के भी शो कर रहा था, लाहौर भी काफी सारे सिटीज आ रहे थे, कराची भी, ठीक है। तो आपने यहाँ से ना मैप को ड्रैग करके आगे पीछे करके देख लेना है कि ये जो हमारा लाहौर है पाकिस्तान में उसके करीब करीब ही है, फैसलाबाद हमारे पाकिस्तान का फैसलाबाद ही है, ठीक है। तो ये आपने चेक शुरू कर लेना है। अच्छा, इसका भी मैं रेडियस 17 ही सेट कर देती हूँ, सबका एक जितना कर दिया। ठीक है, अब ना आपने इसी तरह से जो बाकी एरियाज हैं मतलब सिटीज हैं उनको भी टारगेट करें। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरे साथ साथ आप लोग कर रहे हैं टारगेट इस तरह से, क्योंकि जो टारगेटिंग वाला काम है ना थोड़ा टेक्निकल सा है, फिर बाद में स्टूडेंट से हो नहीं पाता, तो ये साथ साथ आप लोग करें। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो अभी साथ साथ पूछ लें मेरे से, मैं एक और टारगेट कर देती हूँ रावलपिंडी, इसके बाद फिर मैं आपको ना नेक्स्ट वाला सिखाती हूँ, क्योंकि ये एक ही तरह का काम बार 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 करने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने करना है इस्लामाबाद, अब ये देखिए यहाँ पे इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक किया तो ये मुझे इस्लामाबाद उन्होंने शो कर दिया, और इसका भी उन्होंने काफी ज्यादा रेडियस किया हुआ है, तो इसको भी मैं कर देती हूँ 17, ठीक है। अब आपने इसको ड्रैग करके भी चेक कर लेना कि ये बाकी जो हमारे सिटीज हैं उनके से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये देखिए ये फैसलाबाद है और इसके नीचे ही आ रहा है करीब, ये मुल्तान के पास बहावलपुर, उसके बाद ये आ रहा है रहीम ख्याल खान। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी ताकि मुझे पता चले। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी सिटी लिखते हैं ना तो जिस जगह पे वो सिटी का सेंटर है ना वहां पे ये हमारा एक पिन शो हो रही है कि ये सिटी का सेंटर है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग लीव कर होने लगी है क्लास, मैं आपको नेक्स्ट लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है। हाँ, जी। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि हम सिटीज को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो और मैंने आपको ये भी बताया कि आपने ना स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट कम है तो आपने जो बड़े सिटीज हैं उनको टारगेट कर लें, ठीक है, और छोटे से चीज जो है उनको ना टारगेट करें, ताकि आपको थोड़े बजट में ही आपका एड रन हो जाए। अच्छा, ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें हम कुछ कोई भी चीज सेल आउट कर रहे थे और वो चीज हमने डिफरेंट सिटीज में सेल कर रहे थे, ठीक है। अब सपोज करें कि हम डिफरेंट सिटीज में कोई चीज सेल नहीं कर रहे, जस्ट हम लाहौर में ही सेल कर रहे हैं और उस चीज की ना प्राइस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अब वो ज्यादा प्राइस वाली जो चीज है वो जाहिर है जो छोटे एरियाज है लाहौर में वो तो नहीं परचेज करेंगे आपसे ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि लाहौर के जो पॉश एरियाज है उनको आप अपनी जो भी चीज है ना उसकी एड शो करवाएंगे, ठीक है। जी, हम मल्टीपल सिटीज को एक टाइम पे टारगेट कर सकते हैं, ये देखो मैंने किया है ना, कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद इन सबको टारगेट किया हमने, तो आप मल्टीपल सिटीज को भी इकट्ठा एड शो करवा सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सिर्फ सिंगल सिटी के जो डिफरेंट एरियाज है ना वहां पे भी ऐड शो करवा सकते हैं। जैसे मैं ये वाले क्रॉस कर देती हूँ, मैंने आपको एक सिनेरियो समझा दिया है ना कि कौन कौन सी चीज को हमने टारगेट करना और कैसे करना। अब ये सेकंड सिनेरियो है कि हम सिर्फ लाहौर में ही अपने लोगों को ये अपनी ऐड शो करवाना चाहते हैं, सिर्फ लाहौर में ही चीज अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी महंगी है, तो जो लाहौर के जो है ना अच्छे एरियाज, जो बड़े एरियाज हैं, पोश एरियाज हैं, वो ही हमारी वो चीज बाय कर सकते हैं, तो फिर हम सिर्फ पोश एरियाज में ही अपनी चीज को सेल करेंगे। अब जैसे आप देखें कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत महंगे से बैग्स वगैरह बनाते हैं जो ओरिजिनल लेदर के होते हैं, ठीक है, तो वो जो बैग्स होते हैं ना, पर्स वगैरह जैसे लेडीज है ना, वो जो ओरिजिनल लेदर के होते हैं ब्रांड्स के, वो बहुत महंगे होते हैं। तो उस केस में अगर कोई वो पर्स बना रहा है और पर्सेस की प्राइस ही 5,000 से स्टार्ट हो रही है, तो जब इतने महंगे पर्स है ना, वो कोई छोटे एरिया के लोग तो खरीदेंगे नहीं, तो इस केस में उन्हें चाहिए कि वो जो पॉश एरियाज है उनको टारगेट करें, तो फिर वो लोग जो है ना वहाँ के जो लोग हैं वो इतनी महंगी आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, हम जैसे मॉडल टाउन है, हमने मॉडल टाउन को फाइंड आउट करना है, मॉडल टाउन लाहौर लिख के फाइंड आउट करें, ये देखिए मॉडल टाउन प्लेस आ गए, आप ये वाला कर लें। अब इसके इर्द गिर्द जो है ना वो उन्होंने शो किया है कि 2 किलोमीटर तक आप शो करना चाहते हो या इससे ज्यादा, तो आपने जो मैक्सिमम रेडियस रखना है ना, जब क्योंकि हम अब पूरे शहर को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक मतलब एक सिटी के एक छोटे से एरिया को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो जो एरिया उसका तो जो रेडियस है ना वो कम ही होगा, तो आपने उस एरिया का जो रेडियस है ना वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 किलोमीटर रखना होता है, ठीक है, 2 किलोमीटर मिनिमम रख लें या 3 या 4 किलोमीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हम रखेंगे, क्योंकि अगर हम इससे भी ज्यादा रखेंगे तो फिर तो नेवी लाहौर से भी बाहर चला दे, इतना ज्यादा हम एरिया टारगेट कर लें, ठीक है, तो हमने जस्ट उस एरिया को टारगेट करना है, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर रेडियस रख लेंगे। अच्छा ये देखिए ये मॉडल टाउन जो है ना, इसके उन्होंने सिर्फ 2 किलोमीटर टारगेट किया, और इसके अंदर गुलबर्ग भी आ रहा है, और इसके अलावा ये गार्डन टाउन का भी थोड़ा सा एरिया आ रहा है इसमें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 4 कर देती हूँ तो इसमें गुलबर्ग का काफी ज्यादा एरिया और गार्डन टाउन का भी काफी ज्यादा एरिया हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें पूरा गार्डन टाउन आने लग गया। अब देखिए अब ये गार्डन टाउन पूरा का पूरा इस एरिया में आ रहा है, और गुलबर्ग भी आ रहा है, ठीक है, तो और टाउनशिप भी आ रहा है, और जोहर टाउन भी, मैं ये सारे के सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो इसलिए आप उसके ऐसा कर सकते हैं कि इसको ना 2 किलोमीटर ही रहने दें और बाकी जो एरिया है ना उनको अलग अलग टारगेट कर लें, ठीक, ये कर लिया। इसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ जोहर टाउन, ठीक है, जोहर टाउन लाहौर किया, अच्छा अभी ये देखिए जो शो हो रहा है ना एरिया, तो आपने थोड़ा सा ना इनको क्लोज करके देख लेना कि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है कि आधे से एक इलाका, मतलब हमने जब रेडियस सिलेक्ट किया तो ऐसा ना हो कि एक का जो रेडियस है इतना बड़ा हो जाए कि वो दूसरे के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाए, और बहुत ज्यादा फॉल करे, बहुत ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर कर रहा है तो खैर है। अच्छा इसके अलावा कौन से पॉश एरियाज हो सकते हैं, जैसे मैं डीएच से देख लेती हूँ, ये आ रहा है डिफरेंस लोगे, लेकिन ये इंडिया वाला टारगेट हो गया, देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है, तो हमें ये इंडिया वाले नहीं चाहिए।
ये देखिए डिफेंस लाहौर प्लेस, ये वाला लाहौर की जगह है डिफेंस, ठीक है। अब ये देखिए तीनों एक दूसरे के करीब करीब प्लेसेस हैं, ठीक। सही, अब्दुल अहद कह रहे हैं कि जौहर टाउन तो मॉडल टाउन के पास है, पर ये ताज पर शो करवा रहा है। अच्छा, जब भी हम सिलेक्ट चूज करते हैं ना, मतलब सर्च कर रहे होते हैं करियर की ना, तो आपने देखा उसके नीचे कितने ज्यादा उसके नेम शो हो रहे होते हैं, उसी सेम प्लेस के नेम से काफी ज्यादा प्लेसेस शो हो रही होती है ना। तो आपने अगर एक सिलेक्ट कर लिया है ना, तो आप चेक कर लें मैप के ऊपर कि आप वही वाली लोकेशन को उसने हाईलाइट किया जो से आप जा रहे हैं। अगर तो कोई और कर दिया ना, तो फिर उसको क्रॉस करके ना कोई जो बाकी सर्च दोबारा करें, और फिर जो सर्च किया है उसमें से कोई और चूज करके देखें कि अब वो वाली आ रही है जो से आपको चाहिए। मीन्स आपने खुद से देखना है कि ये जो लोकेशन यहाँ पे मैप में सिलेक्ट हो रही है वो वाली है जो से आप जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ फेसबुक बहुत सारी सेम नेम की मतलब एक ही नेम पे बहुत सारी प्लेसेस को शो कर रहा होता है जब आप सर्च करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, पहले अभी हम फाइंड कर लें पॉश एरिया लाहौर। ये पंजाब हाउसिंग स्कीम DHA गुलबर्ग, ठीक है। इसमें से गुलबर्ग फॉर एग्जांपल हम करते हैं सर्च आउट। अब ये देखें यहाँ से अगर ये कितने ज्यादा गुलबर्ग से शो किए हैं, तो अगर आप इसमें से जो सा को रेलिवेंट लग रहा है आप चूज करें, और फिर देखें कि मैप में वो लोकेशन वही है जो उनसे आप जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से, और अगर कोई आपको लग रहा है ना कि डिफरेंट लोकेशन उसने टारगेट कर दिया, तो फिर आप उसको यहाँ से अगर आप क्रॉस पे क्लिक करोगे ना, तो वो क्रॉस हो जाएगा और दोबारा से आप सर्च करो उसको और फिर कोई और सिलेक्ट करके देखो, ठीक है। ये आपने खुद से थोड़ा सा देखना होता है। अच्छा, एक ना इसमें एक और चीज है, जैसे ना अगर हम फॉर एग्जांपल कैंट को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, कैंट लाहौर को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कैंट लिख के सर्च करोगे, ये देखिए कैंट लाहौर आ गया। और अगर आप टारगेट करना चाहते हो, अच्छा मैंने जैसे आपको ये पिन जो ड्रॉप इन लिखा है ना, ये समझाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए अब मैं पॉश एरिया फॉर एग्जांपल नहीं फाइंड करती, मुझे कोई भी जो लग रहा है ना एरिया, मैं उस पर आपको फाइंड कर ड्रॉप करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अपर माल लिखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपर माल पे जो ऑडियंस है ना उनको अपनी एड शो करवाऊँ, यानी जिन लोगों ने अपनी फेसबुक के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं ना, तो जिन लोगों ने वहां पे अपर माल को अपनी लोकेशन शो किया हुआ है ना, तो उनको ऐड शो होगी तो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए ना आप या तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया ना, लिख के सर्च कर सकते हो, और वो नेम फिर यहाँ पे शो हो जाएगा उस प्लेस का, और उसके अलावा यहाँ पे वो उसका एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। अगर तो आप इसके आपको इस तरह से मतलब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन आपको जो सा स्पेसिफिक एरिया आप चाह रहे हैं ना कि टारगेट हो, वो वाला नहीं टारगेट हो रहा, और जैसे भी आपने मुझे कहा जो हर टाउन और मॉडल टाउन करीब है, लेकिन वो करीब वाला नहीं टारगेट हुआ, कोई और हो गया, तो तीन चार आपने सिलेक्ट करके देख लिया, आपको वो फिर भी वो नहीं मिला जो जो सा के आपको चाहिए था, तो फिर आप क्या करोगे, जो सा आपको चाहिए ना वो वाले मैप में वो उसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके वो खोलें, ठीक है। जैसे ही मैंने ऊपर किया, नीचे काफी ज्यादा एरियाज आ रहे हैं। अब जैसे ये एवान टाउन आ रहा है, मुस्तफा टाउन आ रहा है,
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट टाउन को भी सिलेक्ट टारगेट करना चाह रही हूँ, तो मैं ये ड्रॉप पिन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट टाउन पे लाके इसको क्लिक करके करूंगी तो ये अकाउंट टाउन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अकाउंट टाउन का एरिया देखें, यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद ना यहाँ पे अकाउंट टाउन का एक कोड शो हो गया, ठीक है, यानी उसका आईडी शो हो रहा है मैप के ऊपर। अब जब हम सर्च आउट कर रहे थे ना, सर्च करने से यहाँ पे हमारे पास वो एरियाज के नेम्स ही शो हुए, लेकिन अगर हमने पिन ड्रॉप की ना, तो फिर हमें यहाँ पे उस जो एरिया या जो उस एरिया हमने टारगेट किया है उसका आईडी शो होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से प्रेफरेबल क्या चीज़ है कि आपको नेम्स यहाँ पे शो हो। जब आप नेम को टारगेट करते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हम कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं अपनी एड में, अब वो उन कीवर्ड से अगर कोई भी सर्च करता है कुछ भी, तो आपकी एड उसको भी शो हो जाएगी, क्योंकि उसने आपने वो कीवर्ड्स अपने एड के अंदर यूज किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर तो आपने यहाँ पे ये कीवर्ड्स टारगेट कर दिए हैं इन सिटी एरियाज के, ठीक है, तो अब जिन जिन लोगों की फेसबुक प्रोफाइल में ये वाले एरियाज उन्होंने अपनी लोकेशन में सेव किए हुए हैं ना, तो उन सबको ये एड शो हो जाएगी ड्यू टू देयर डाटा, जो कि उन्होंने अपना डाटा सेव किया हुआ उस डाटा की वजह से, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा मैं जिस पे भी क्लिक कर रही हूँ ना, वो एरिया मुझे शो हो रहा है। गुलबर्ग पे क्लिक किया, गुलबर्ग शो हो गया, कैंट पे क्लिक किया, कैंट शो हो गया। अब ये वाले मैंने पिन पे क्लिक किया है, तो उसने मुझे ये वाला एरिया शो किया, और ये 16 किलोमीटर रेडियस तक हुआ हुआ है ये। अब ये जो मैंने पहले हमने एरिया सेलेक्ट किए थे ना, वो सारे भी इसी एक एरिया में आना शुरू हो गए हैं जो मैंने अब सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जब मेनली ये देखिए ब्लू वाला आ रहा है ना पिन, ये उस एरिया का सेंटर है जहाँ पे हमने पिन ड्रॉप की थी, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये 17 किलोमीटर तक ये एड को शो करवाएगा, और उसी 17 किलोमीटर के अंदर लम्बा इकबाल टाउन भी आ रहा है, और ये बाकी जो दूसरे अपने पिंस वगैरह सॉरी लोकेशंस टारगेट की थी वो भी इसके अंदर आ रही है। तो इतनी ज्यादा जो है ना लोकेशन इसके अंदर आनी शुरू हो गई, तो फिर आप इसका रेडियस कम करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बहुत ज्यादा कोलैप्स जब हो जाती है ना प्लेसेस, तो फिर एक ही मतलब आप बार बार सेम सेम प्लेसेस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना होगा, फिर आपने रेडियस को कम कर देना है, ठीक। हाँ हाँ अच्छा एक और सिनेरियो देखें, फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है तो, और वो कोई कोर्सेज ऑफर कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यूईटी है, यूईटी कुछ कोर्सेज ऑफर कर रही है ना, तो उसने अपने कोर्सेज की एड रन करनी है, तो वो किन लोकेशंस को टारगेट करेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वाले जो पहले वाले ये ना इनको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्च करते हैं। अच्छा ये देखें, अभी एक टेक्सला में आ रही है और एक ये लाहौर में आ रही है, हमें लाहौर वाली में करना है, ठीक है। अभी इसने भगवानपुरा जो है उसके के जो यूटी का कैंपस है ना, ये भगवानपुरा स्टेशन के करीब है, इसलिए इसने यहाँ पे पिन ड्रॉप की हुई है, और इसके इर्द गिर्द ये 2 किलोमीटर तक का रेडियस भी इसने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब आप इस एरिया सेलेक्ट करें ना, तो 2 से 4 किलोमीटर आप उसका रेडियस सेलेक्ट किया करें, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। अब देखें, अब जैसे यूईटी अपने कोर्सेज करवा रहे हैं, तो इन कोर्सेज की मतलब चार्जेस काफी ज्यादा है, तो जो बहुत छोटे एरियाज हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें भी पॉश एरियाज को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे जोहर टाउन, मॉडल टाउन वगैरह। ये देखिए जोहर टाउन लाहौर आ गया, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये पिन ड्रॉप हुई, और ये 2 किलोमीटर। अगर मैं इसका रेडियस थोड़ा सा 4 किलोमीटर तक कर देती हूँ, फिर मैं देखी कि ये कहाँ तक जाता है, देखिए इस तरह से ना ये जोहर टाउन भी आ जाता है बीच में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम, हाँ थोड़ा सा और बस ठीक है, मैं 3 किलोमीटर करके देखती हूँ, क्योंकि ये तो है ही जोहर टाउन, हम नहीं करना, 4 किलोमीटर तक करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं करूंगी फाइन,
मॉडल टाउन पंजाब रीजन ये नहीं है। ठीक सुना, लाहौर खुद लिख के सर्च कर लेते हैं क्योंकि ये सारे इंडिया के मॉडल टाउन सबको शो करवा रहा है, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वॉइस अब्दुल राहत कह रहे हैं कि कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा वैसे ना हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, तो ऐसा करते हैं क्लास जो है ना खत्म कर देते हैं, तो कल हम ये ना दोबारा से यहाँ से ये जो लोकेशन टारगेटिंग है यहाँ से कल हम दोबारा इंशाल्लाह क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह अपने ये जो पोस्ट को बूस्ट करना है इसको एंड कर लेंगे कल। ठीक है, हाँ आज जहाँ तक मैंने काम करवाया वहां तक आपको समझ आ गया? ये नेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है तो इसलिए, और क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, तो मैं कल इंशाल्लाह दोबारा से करवा दूंगी। जी मैंने आज 2:15 के बाद ही क्लास स्टार्ट करवाई थी कि वेट करके कि आप लोग नमाज वगैरह पढ़ के आ जाएं। ठीक है, ओके चले मैं क्लास को करती हूँ एंड, तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा से ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास लोकेशन टारगेटिंग से। ठीक है, तो तब तक आप लोग, आपने क्या करना है कि आपने ना अपनी जो आपका पेज है ना उससे रेलिवेंट आपने जो आपने पोस्ट बनाई हुई है उसकी उस पोस्ट को बूस्ट करने के लिए सेटिंग्स कर लेनी है जहां तक मैंने सिखाई है। ठीक है, ओके।